पायान की भारत यात्रा। किसी भी व्यक्ति की गरिमा और उसके व्यक्तित्व की विशालता को सराहने के लिए प्रायः कहा जाता है कि वह समुद्र जैसा गंभीर और विशाल हृदय है। समुद्र वास्तव में अपने भीतर विशालता और गौरव गरिमा की महान प्रेरणाएं लिए रहता है। उसकी विशालता यद्यपि स्थूल जगत तक सीमाबद्ध होती है, फिर भी उसकी सूक्ष्म प्रेरणाएं मनुष्य को भी वैसा ही बनने की दिशा देती हैं। उसके निर्माण से लेकर विस्तार तक के तथ्यों पर दृष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह स्थान प्राप्त करने के लिए उसे किन उथल पुथल से गुजरना पड़ा है। चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। पहला चीनी यात्री पायान था। वह मध्य चीन का रहने वाला था। सन 400 ईस्वी में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। उस काल में भारतवर्ष से चीन को आने जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता था कुतुब नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का और दूसरा था लंका के टापुओं से होकर। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग बड़ा भयावह हो गया था। पायान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था। वह चीन से भारत में खुतून के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा। पायान के साथ और भी यात्री थे। खुतून पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में पायान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कोसो पानी का नाम तक ना था। सूर्य अपनी प्रचंड ताप से तप रहा था। प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों का कंठ सूखने लगा। कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा। वन में मार्ग भूलते भटकते तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए वे सब लाप झील के किनारे जा पहुंचे। उस समय प्रायः सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने ही यात्री घबरा गए। उन्होंने अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया, परंतु पायान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के अपने विचार पर अटल रहा। वह मार्ग के कष्टों को झेलकर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। पायान 2 महीने में खुतून पहुंच गया। वहां लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। उस काल में खुतून हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, परंतु प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। खुतून से चलकर पायान काबुल पहुंचा। काबुल से वह स्वाग, गंधार और तक्षशिला पेशावर आया। उसने वहां बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुंचा। मथुरा का वर्णन करते हुए उसने लिखा, मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम हैं। उनमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। आगे चलकर फायान लिखता है, राजपुताने के राजा बौद्ध हैं। दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। इस देश की जलवायु ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी। बर्फ या कोहरे की अधिकता नहीं है। प्रजा सुखी है। लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता। शासक लोग अत्याचार नहीं करते। किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता है। लोग इच्छानुसार चाहे जहाँ घूम फिर सकने के लिए स्वतंत्र हैं। अपराधी को उसके अपराध के अनुसार भारी या हल्का दंड दिया जाता है। देश भर में जीव हत्या नहीं होती। बाजारों में कसाई खाने
और मांस बेचने की दुकानें नहीं हैं। बुद्ध भगवान के समय से इस देश के राजा महाराज तथा अमीर लोग में दान से विहार निर्माण करने की प्रथा चली है। वे लोग भूमि आदि का दान पत्र लिख देते हैं, जिसकी आय से विहारों का काम चलता रहता है। विहारों में रहने वाले साधु संतों को भोजन मुफ्त मिलता है। मथुरा से चलकर फायान ने कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फायान ने बुरी दशा में पाया। नगर उजाड़ था। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने यह लीला समाप्त की, बुरी दशा में था। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। पाटलिपुत्र पटना का वर्णन करते हुए फायान ने लिखा, पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत है। उसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया है। मनुष्य के हाथों से वह ना बना होगा। उसमें लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। उस अवसर पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की जाती है। इसी प्रकार से 30 रथ तैयार किए जाते हैं। यह उत्सव बड़े समारोह से मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। फायान ने गया में बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन किया। उसके उपरांत वह काशी, ताम्रलिप्त आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंघल द्वीप गया। लंका में उसने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें इकट्ठा कर ली। फायान लंका में 2 वर्ष तक रहा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म का बड़ा उत्कर्ष देखा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठी कर ली थी। उन्हें वह अपने साथ चीन ले गया। स्वदेश छोड़े फायान को बहुत समय हो गया था, इसलिए उसे अपने देश का स्मरण होने लगा। अंत में उसने एक जहाज यात्रा की। वह अनेक कठिनाइयां उठाता हुआ अपने देश को चल पड़ा और 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत दक्षिणी चीन में समुद्री तट पर सकुशल पहुंच गया। भारत यात्रा करके फायान ने स्वयं को धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है।